हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ डीएसआर देवल का यूट्यूब चैनल डीएसआर देवल म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है, जहाँ आपको मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रोलिंग एक्सप्रेस 30 कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपने इस कीबोर्ड को अपडेट कर सकते हैं। और आप इस कीबोर्ड को अपडेट करेंगे तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और इसके जो फंक्शन है उनकी भी स्पीड हाई हो जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और हर स्टेप को फॉलो कीजिए सिंसियरली। यदि इस वीडियो को कहीं भी आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि आप अपने कीबोर्ड को अपडेट ना कर पाए, अपने कीबोर्ड के वर्जन को अपडेट ना कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डीएसआर देवा म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, यहां पर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब रोलैंड एक्सप्रेस 30 का सिस्टम वर्जन अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये गूगल क्रोम इसे ओपन करना है। मोबाइल में भी सेम प्रोसेस रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा google.com, दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रोलैंड एक्सप्रेस 30 वर्जन 2.11। बस तो आपको लिखना है और इंटर कर देना है। तो देखिए, अब जो सबसे पहला नंबर की साइट है ना, यहाँ पे लिखा है rolandtech.com, ये रोलैंड की साइट, तो हमें इसी पे क्लिक करना है। अब देखिए, तो हमारे पास ऐसी ये साइट ओपन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे लिखा है वर्जन 2.11 है। हम इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे जाना है सबसे लास्ट में। ये देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड बटन हमें यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और फिर डाउनलोड। थोड़ा टाइम लगता है, 2 सेकंड का। ये देखिए, डाउनलोड के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस 30 सिस्टम वर्जन 2.11 है ना। हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई 4 MB की है ना। अब इसको हम काटते हैं, क्लोज कर देंगे, हमारा काम हो चुका है। अब हम जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में जहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हुई है जी। तो आप देख सकते हैं ये फाइल है सिस्टम वर्जन 2.11, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यदि आपके पास एक्सट्रैक्ट का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं विनरार। ओके, तो देखिए, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ये यहाँ पे फोल्डर आ गया, सेम एडिटिस फोल्डर आ गया, एक्सप्रेस 30 सिस्टम वर्जन 2.11। देखिए, मैं इसको भी ओपन करूँगा, तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेस 30 अब .bin फाइल शो हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसी फाइल को आपको पेन ड्राइव में कॉपी करना है। तो मैं सबसे पहले ये पेन ड्राइव को इसमें लगा देता हूँ लैपटॉप में। ये पेन ड्राइव को मैंने लगा दिया है, अब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव ओपन कर लूँगा। देखिए, ये है एक्सप्रेस 30, यही है पेन ड्राइव भी, तो उसका नाम एक्सप्रेस 30 है। तब हमें करना क्या है, ये जो फाइल है ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी, और फिर यहाँ पेन ड्राइव में जाकर पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे, किसी भी फोल्डर में पेस्ट नहीं करना, आपको पेन ड्राइव में बाहर ही पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गए, अब हम पेन ड्राइव को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमने इस पेन ड्राइव में रोलैंड एक्सप्रेस 30 का 2.11 वर्जन का बिन फाइल को ले लिया है। अब मैं इस पेन ड्राइव को लगाऊंगा कीबोर्ड में। अब सबसे पहले हम कीबोर्ड को चालू करते हैं। और पहले इसका हम वर्जन चेक कर लेते हैं कि इसका वर्जन है क्या, ठीक है। तो हम जाएंगे सिस्टम पे, ठीक है, ये एरो के इस बटन से सिस्टम पे गए और फिर एंटर प्रेस करना। अब देखिए, ये लिस्ट आ गई। तो हमें करना क्या है, ये एरो का बटन दबा के रखना है। ये देखिए, लास्ट में आ गए। अभी वर्जन क्या बता रहा है, 2.00, सिस्टम वर्जन 2.00, ठीक है। अब हम कीबोर्ड को बंद कर देंगे और इस पेन ड्राइव को लगाएंगे कीबोर्ड में वापस से।
ये पेन ड्राइव लगा दी। अब हमें करना क्या है, हमें टेप बटन दबा के रखना है और कीबोर्ड को चालू करना है। ठीक है, तो मैं इसको दबा देता हूँ, अब कीबोर्ड को चालू करता हूँ मैं। तो देखिए हमारा कीबोर्ड चालू हो गया, टेप बटन दबा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है एक्सप्रेस 30 अब बिन अपडेट 1। तो ये अपने आप होता रहेगा, अब हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 100 पे हो गया, अब वो चेक करेगा। ये देखिए अपडेट फिनिश हो गया, अब हम कीबोर्ड को बंद कर देंगे और फिर चालू करेंगे। अब हम जाएंगे वापस मेनू में सिस्टम पे, ताकि हम इसका वर्जन चेक कर सकें क्या वर्जन क्या है। सिस्टम पे गए, एंटर दबाया। अब देखिए फिर से हमें ये वाला बटन दबा के रखना है लास्ट तक। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 2.11, तो मतलब हमारा पहले 2 वर्जन था, अब 2.11 हो गया। तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे ही करना है, अब इससे आपके कीबोर्ड की स्पीड और अच्छी हो जाएगी, इस पर जो फंक्शंस हैं नए फीचर्स भी आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।